दोस्तों अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। दोस्तों ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में से लिया गया है और आज की वीडियो में ऐसे क्वेश्चन के बहुत सारे टाइप में सॉल्व करवाने वाला हूं, जिससे दोस्तों आप अपने एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाए। तो इस वीडियो को एंटर जरूर देखिएगा दोस्तों हर एक चीज सीखने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको ऑब्जर्व करना है कि ये जो दिया हुआ है किस तरह से दिया है, इसका पैटर्न क्या है। तो आप देखोगे दोस्तों कि यहां पर जी दिया है और जी का नंबर 6, L का नंबर 7, A का नंबर 8 इस तरह से यहां पर दिया है। तब क्या करोगे दोस्तों, आप देखोगे यहां पर R A N S O M क्वेश्चन मार्क दिया है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे R यहां पर नंबर दिया है, तो यहां पर भी R दिया है, तो R का नंबर क्या दिया हुआ है, तो R का नंबर यहां पर 1 दिया हुआ है। ठीक है, R का नंबर 1 दिया है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 1। उसके बाद दोस्तों यहां पर A दिया है, तो A का नंबर क्या होगा दोस्तों, आप देखोगे अगर, तो यहां पर 8 दिया है, तो यहां पर मैं 8 लिख लेता हूं। उसके बाद यहां पर N दिया है, तो आप N देखोगे तो यहां पर है N, और यहां पर भी N है, और दोनों N का नंबर देखिए सेम होगा। देखिए यहां पर 9 और यहां पर 9 है, तो एक काम करता हूं N की जगह पर यहां पर 9 लिख लेता हूं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों S दिया है, तो S देखोगे S का नंबर क्या है, S का नंबर 5 है, तो यहां पर मैं 5 लिख लूंगा। और O का नंबर क्या होगा, तो यहां पर O देखिए 3 बार दिया है, और यहां पर भी देखोगे तो O का जो नंबर दिया है यहां पर 3 3 3 दिया है, तो मतलब O का यहां पर नंबर लिखूंगा 3। अब M का नंबर क्या होगा दोस्तों, यहां पर 2 है, तो ये देखिए 2 लिख लिया। अब देखिए ये नंबर मुझे मिल गया, ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन A आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करोगे। देखिए दोस्तों आपके सामने यहां पर देखिए बी ओ आर एन दिया है, और इसका कोडिंग दोस्तों 53 डॉलर और स्टार में दिया है, तो किस तरह से करोगे। सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि यहां पर पूछा क्या है, यहां पर SORE का क्वेश्चन मार्क दिया है और ऑप्शन आपके सामने दिया है, तो यहां देखते हैं S कहां पर है, यहां पर S है, तो S का कोडिंग क्या है देखिए, यहां पर ये हैशटैग दिया हुआ है, तो यहां पर मैं इस तरह से लिख लेता हूं। ठीक है, इसका कोडिंग। उसके बाद दोस्तों O देखोगे तो O यहां पर है, तो O का कोडिंग के साथ 3 लिखा हुआ है, तो यहां पर मैं 3 लिख लेता हूं। उसके बाद यहां पर R दिया है, तो R देखिए R का नंबर यहां पर डॉलर पे दिया है, तो यहां पर मैं डॉलर लिख लेता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां पर E दिया है, तो E का नंबर देखोगे यहां पर 2 यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर आप 2 लिख लोगे। अब ध्यान दीजिए ये कहां पर दिया, कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और एक क्वेश्चन आपके लिए देखिए, ये रहा, इसे कैसे सॉल्व करोगे। अब देखिए दोस्तों को ध्यान देना होगा यहां पर, तो यहां पर देखोगे तो जी का कोडिंग 7 है, ये पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं है। पहले ऐसा क्वेश्चन क्या था देखिए, यहां पर पहले क्वेश्चन क्या था, यहां पर बी है, और बी का दोस्तों अल्फाबेट नंबर क्या होता है, 2 होता है, लेकिन बी का यहां पर नंबर क्या दिया है, 5 दिया है, तो ये अल्फाबेट नंबर से सॉल्व नहीं होगा, जो दिया है उसके पैटर्न को समझकर ये आंसर निकाला है हमने। लेकिन जब ये क्वेश्चन देखोगे आप, तो यहां पर कुछ अलग है, क्या अलग है, तो आप देखोगे जी का अल्फाबेट नंबर होता है 7 होता है, तो यहां पर 7 लिखा है, मतलब कहने का मतलब यह है कि हमें अल्फाबेट नंबर याद करना होगा। उसके लिए दोस्तों एक वीडियो बनाया है मैंने, अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे दोस्तों अल्फाबेट नंबर के रिवर्स और नंबर हर चीज आपको इजीली याद हो जाएगा, तो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब देखिए यहां पर जी का अल्फाबेट नंबर यहां पर 7 है, ओके, तो यहां पर ई का अल्फाबेट नंबर क्या होगा दोस्तों, 5 है, ये हो गया। तो समझ गए दोस्तों क्या पैटर्न है, आप सब चेक कर सकते हो। देखिए आर का नंबर क्या होता है, लेटर में देखिए 18 यहां पर दिया है, सब कुछ परफेक्ट है, तो यहां पर लिखता हूं एफ का नंबर क्या होगा, ई का नंबर 5 है, तो एफ का नंबर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, अब आर का नंबर क्या होगा दोस्तों, 18 होगा, और ए का नंबर 1, एन का नंबर दोस्तों 14, सी का नंबर 3 होता है, और ई का नंबर 5 होता है। देखिए अब देखिए ये मैं कॉमा कर लेता हूं, यहां पर मैं कॉमा कर लिया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, तो देखोगे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और जिस तरह से मैंने इतना स्पीड में नंबर लिखा हूं मैंने, अगर वो वीडियो को देख लोगे तो आप भी इसी तरह से हर एक अल्फाबेट का नंबर इजीली याद रख पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये तो सम स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको एक बुक के बारे में बताना चाहता हूं। इस बुक के बारे में दोस्तों, ये बुक सीबीएसई क्लास के 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। ये बुक के अंदर आपको चैप्टर वाइज और कैटेगरी
कैटेगरी वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि इस बुक का नाम है सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। दोस्तों ये जो है ये लेटेस्ट बोर्ड सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है, और इस बुक में आपको स्पेशल फोकस मिलेगा नए पैटर्न के क्वेश्चन के ऊपर, और आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा एमसीक्यूज के, मतलब एमसीक्यूज भी यहां पर दिए गए हैं, और यहां पर आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन मिल जाएगा, और दोस्तों एसरेशन रीजनिंग क्वेश्चन भी यहां पर इंक्लूड किया गया है, और यहां पर दोस्तों प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन जो है इसमें आपको दिया गया है। तो दोस्तों ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए, और ये बुक स्टैंडर्ड और बेसिक में मिल जाएंगे दोस्तों, क्योंकि मैथ्स की बुक है। तो दोस्तों इसे लीजिए और मैथ्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से करिए। तो ऑल द बेस्ट। इसे कैसे सॉल्व करोगे, यहां पर देखिए, यहां पर दिया हुआ है हेल्थ दिया है, और यहां पर GSKZDG ये सब दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर लिख लेता हूं इस तरह से मैं HEALTH, उसके बाद दोस्तों यहां पर लिखता हूं मैं GSKZDJ। अब देखिए दोस्तों, मैंने हर एक तरह के क्वेश्चन इस वीडियो में लाने की कोशिश किया हूं मैंने, और हर एक चीज सिखा के भी जाऊंगा। सबसे पहले यहां पर H दिया है, और यहां पर देखिए H और यहां पर G दिया है, ठीक है, यहां पर H दिया है और यहां पर देखोगे G दिया है। तो यहां पर क्या हुआ है, एक कम हुआ है, क्योंकि पहले G आता है उसके बाद H आता है, तो -1 का यहां पर सीक्वेंस चल रहा है। तो यहां पर E है, तो E के पीछे क्या होगा, D होगा, तो यहां पर देखो D है, ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर D आ गया। अब देखिए यहां पर ये टी के पीछे क्या होता है दोस्तों, -1 करना है, तो टी के पीछे देखिए यहां पर एस, ये आ गया, और यहां पर देखो ए दिया है, तो ए के पीछे क्या है, मतलब जेड होगा ऑब्वियसली, तो यहां पर जेड, और यहां पर एल के पीछे दोस्तों के होगा। इस तरह से सीक्वेंस मेंटेन किया, मतलब -1 किया गया है, इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर दोस्तों नॉर्थ जो दिया हुआ है, तो यहां पर लिखूंगा NORTH, ठीक है। सबसे पहले यहां पर N के पीछे क्या होता है, N के पीछे पहले M आता है, उसके बाद N आता है, तो यहां पर इस जगह पर मैं M लिखूंगा, ठीक है, और H के पहले H के पहले क्या आता है, तो H के पर देखो पहले आएगा EFGH, तो यहां पर G आएगा, फिर H आएगा, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, G होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों O के पे देखिए, O के बाद क्या आता है, P आता है, O के पहले क्या आता है यहां पर, तो MNO, तो यहां पर N आएगा, तो यहां पर दोस्तों लिखूंगा मैं N, और T के पहले क्या आएगा दोस्तों, S, फिर T आएगा, तो यहां पर S लिखूंगा, ठीक है। अब यहां पर R बच गया है, तो R के पहले आता है QR, तो यहां पर दोस्तों लिखूंगा मैं क्यू लिखूंगा। तो देखिए ये जो दिया है मेरे सामने आया हुआ है आंसर, वो कौन से ऑप्शन में है, तो देखोगे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया है। तो इस तरह के कोडिंग भी पूछे जाते हैं, मैं इस वीडियो में हर एक तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेके आया हूं, पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन इसे कैसे सॉल्व करोगे, आपको ध्यान देना होगा दोस्तों किस पैटर्न में दिया है। तो आप देखोगे यहां पर जी का कोडिंग दोस्तों एच है, तो आप देख सकते हो जी के बाद एच ही आता है, ठीक है। यहां पर O जो है O एस इट इज O लिया हुआ है, फिर L के बाद दोस्तों M आता है, और D के बाद दोस्तों E आता है, इतना क्लियर हो गया है। यहां पर भी देख लेते हैं, तो देखोगे C के बाद क्या होगा दोस्तों, D होगा, और O एस इट इज लिया है, तो यहां पर लिख दिया मैंने, और R के बाद S और D के बाद E, इतना समझ में आ गया है। तो यहां पर दोस्तों S के बाद क्या आएगा, T लिख दिया, और O के बाद क्या होगा दोस्तों, O के बाद लिखना नहीं है, O को एस इट इज लिखा गया है, तो यहां पर O लिख लोगे। अब N के बाद दोस्तों क्या आता है, O आता है, लिख लिया मैंने, उसके बाद S के बाद क्या आएगा दोस्तों, T आएगा, तो देखिए ये मुझे मिला है। तो आप देखोगे ये कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप दोस्तों ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें ऑब्जर्व करना होगा किस पैटर्न में क्वेश्चन दिया गया है। तो यहां पर दोस्तों देखिए रोड दिया है, तो यहां पर लिख लेता हूं ROAD, रोड लिख लिया, और यहां पर जो कोडिंग दिया है उसे यहां पर लिख लेता हूं मैं इस तरह से। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यहां पर R दिया है, यहां पर U दिया है, क्या हो रहा है। तो यहां पर देखिए जो R और U दिया है उसका अल्फाबेट नंबर लिख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर देखोगे R दोस्तों जो होता है वो 18 होता है, और U का अल्फाबेट नंबर क्या होता है दोस्तों, 21 होता है। तो यहां पर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर 18 में +3 किया गया होगा तभी 21 होगा, और 21 दोस्तों U जो है उसका अल्फाबेट नंबर है। तो यहां पर O देखोगे तो O का अल्फाबेट नंबर 15 है और R का अल्फाबेट नंबर 18 है, तो दोस्तों 15 में +3 किया गया होगा तभी तो यहां पर 18 हुआ होगा, और 18 की वजह से यहां पर R आया है, इतना क्लियर हो गया है। तो यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, जो अल्फाबेट दिया है उसका नंबर आपको लिखना है, उसमें +3 करना है, और जो नंबर आएगा उस अल्फाबेट को लिखना है यहां पर, ठीक है।
तो यहां पर दोस्तों एस का अल्फाबेट नंबर क्या होता है तो आपको याद करने बताऊं मैं तो T20 होता है, T के पीछे S आता है, तो यहां पर दोस्तों 19 होगा। ठीक है, 19 में प्लस 3 करोगे कितना होगा दोस्तों 22 होगा, और 22 वाला अल्फाबेट नंबर क्या होता है दोस्तों आपका V होता है, ये लिख लिया मैंने। उसके बाद दोस्तों यहां पर W दिया है, तो W का अल्फाबेट नंबर क्या होता है दोस्तों 23 होता है। ठीक है, अब 23 में प्लस 3 करोगे कितना होगा 26 होगा, और 26 अल्फाबेट नंबर कौन सा है दोस्तों Z है, तो यहां पर Z लिख लिया। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो एक ही ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरह से आप दो निकालने के बाद आप देख सकते हो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है और आप आंसर लिख सकते हो, नहीं तो दोस्तों पूरा आपको लिखना होगा और सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और एक क्वेश्चन आपके लिए, ये रहा इसे कैसे सॉल्व करोगे। दोस्तों ये क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए लास्ट में रखा है मैंने। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करोगे, अब ध्यान दीजिए यहां पर ये एफ दिया है, तो यहां पर एफ ई डी मल्टीप्लाई बाय 3 और यहां पर आंसर दिया है। तो एक काम करता हूं दोस्तों इसे मैं इससे डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर 1629 डिवाइडेड बाय 3 करता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए 3 5 15 वन रिमाइंडर होगा, तो 3 4 12 3 3 9 तो ये नंबर आ गया 5 4 3 2। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये एफ दोस्तों इसका अल्फाबेट नंबर क्या होता है 6 होता है, तो यहां पर 6। यहां पर E का अल्फाबेट नंबर क्या होगा दोस्तों आपका होता है 5 होता है, और D का अल्फाबेट नंबर क्या होता है दोस्तों 4 होता है, तो यहां पर 4। अगर ध्यान दोगे तो यहां पर 5 4 3 है, ठीक है, और यहां पर जो दिया है वहां पर 6 5 4 है, तो क्या हो रहा है, यही हो रहा है -1 हो रहा है, मतलब जो भी अल्फाबेट नंबर होगा उसमें आपको -1 करना होगा, -1 -1, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 में से 1 गया तो 4, और 4 में से 1 गया 3, तो देखिए ये आ गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि आपको कैसे पता चला सर, तो मैंने यहां पर लॉजिक क्या लगाया कि ये मल्टीप्लाई फॉर्म में दिया है, इधर जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि मुझे तो अल्फाबेट नंबर पता है, तो आपको भी अगर अल्फाबेट नंबर पता होगा तो ये सब ट्रिक यूज कर सकते हो। तो यहां पर देखिए यहां पर 4 है मल्टीप्लाई में, यहां पर डिवाइड होगा, और उसके बाद जिसे ऐसे लाया है आंसर उसी तरह से ये आंसर आया होगा। तो यहां पर दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहां पर कोई नंबर दिया नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि B का अल्फाबेट नंबर 2 है, E का अल्फाबेट नंबर दोस्तों 5 है, और F का अल्फाबेट नंबर 6 है। -1 -1 -1 करना होगा, तो 2 में से 1 गया तो 1 आया, 5 में से 1 गया तो 4 हो, 6 में से 1 गया तो यहां पर 5, तो 145 आया, मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो आंसर होगा 145। तो ऑप्शन देखोगे आप, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। वीडियो में इतना ही दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इससे दोस्तों हर एक लोग कुछ नई नई चीज सीख सके। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।